गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 15 वर्ब्स यानी क्रिया। तो सबसे पहले तो ये जाने वर्ब क्या है। तो वर्ब एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एग्जांपल ईट, गो, रन, रीड, इसी। यानी जब भी कोई कार्य होता है तो वो क्या होता है, वो वर्ब होता है, एक्शन होता है। यानी तो वर्ड्स डैट एक्सप्रेस सम फॉर्म ऑफ एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। यानी वैसे शब्द जो किसी कार्य का होने का संकेत देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ब्स यानी क्रिया। तो वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। यानी वर्ब जो है, क्रिया जो है, वाक्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो वर्ब्स आर यूज्ड इन सेंटेंस टू शो दैट एक्शन इज टेकिंग प्लेस। यानी वर्ब्स एंड वाक्य में जो वर्ब जो है वो ये बता दर्शाता है कि कोई क्रिया हो रहा है, हो रही है या हो रहा है। विदाउट ए वर्ब द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। यानी वर्ब क्रिया के बिना कोई भी सेंटेंस जो है उसका कोई मीनिंग नहीं पूर्ण होता है, उसका कोई अर्थ पूर्ण नहीं होता है। तो वर्ब क्या है, वर्ब एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। यानी कोई भी एक्शन वर्ड्स यानी कार्य करने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रिया होते हैं। ईट, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ईट, गो, रन, रीड, स्लीप, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ये कोई भी कार्य जो हम लोग करते हैं वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल्स को दिया गया है, ऑल द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस आर वर्ब्स। यानी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उसमें रेड कलर से जो भी सेंटेंस ये वर्ड्स दिया गया है, तो रेड कलर से सेंटेंसेस में जो वर्ड्स है वो क्या है, वो वर्ब है। मंकी लिव्स इन फॉरेस्ट। तो लिव यानी रहना, तो मंकी कहाँ रहता है, जंगल में। तो ये क्या हो गया, लिव क्या हो गया, ये क्रिया हो गया, रहने का कर रहा है तो जंगल में। मेक्स, ईट, सर्च, रन, रीड्स, फ्लाई, ब्रिंग, लाइक्स, क्लीम, ब्रीड, पुट, गोस, वैक, स्विम्स, ये सारे वर्ड्स क्या है, ये वर्ब एक्शन वर्ड्स हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं यानी वर्ब है। नेक्स्ट जो है आपका एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। यानी यहाँ पे इस बॉक्स में जो है कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट सेंटेंस के साथ वो फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिल होगा, दे टेक देयर लंच, ही गोज विथ हिज ब्रदर, रवि एंड मोनू प्ले इन पार्क, स्टूडेंट्स ड्रॉ द पिक्चर, टीचर टीचेस अस। अब नीचे जो है सेक्ट बी में, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द वर्ब इन द ईच सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस। यानी प्रत्येक यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, प्रत्येक सेंटेंस में जो वर्ब है उसको हम लोग को अंडरलाइन करना है। तो वी लिव इन एन अपार्टमेंट, तो यहाँ पे लिव जो है, लिव को अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड में सम चिल्ड्रन लर्न वेरी फास्ट, तो यहाँ सेकेंड वाले में हम लोग लर्न को अंडरलाइन करेंगे। थर्ड है वी गो फॉर स्विमिंग लेसन्स ऑन संडे, तो यहाँ इस थर्ड सेंटेंस में जो है गो और स्विमिंग दोनों को अंडरलाइन करेंगे। आई लाइक माई न्यू बाइक, यहाँ लाइक को अंडरलाइन करेंगे। फाइनल बेबीज समटाइम्स स्लीप ड्यूरिंग द डे, स्लीप को अंडरलाइन करेंगे। सिक्स नंबर में माई डैड बाइज ए न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग, बाइज को अंडरलाइन करेंगे। दीज डॉल्स बिलोंग्स टू के, बिलोंग को अंडरलाइन करेंगे। आई ऑफ्टन वॉक टू स्कूल विथ माई डैड, तो वर्क को अंडरलाइन करेंगे। माय सिस्टर प्लेज द पियानो वेरी वेल, प्लेज को अंडरलाइन करेंगे। सारा समटाइम्स रीड इन बेड एट टाइम, तो यहाँ पे रीड्स को अंडरलाइन करेंगे। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, एंड एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। यानी कोई भी कार्य जो हम लोग कोई भी कार्य जो करते हैं वैसे शब्द वर्ब कहलाते हैं। किसी भी कार्य का होने का पता चलता है तो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे ईट, खाना, ईट मतलब खाना होता है, गो मतलब जाना, तो ये सब क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है, हो रहा है या होता है, तो ये सब बताते हैं, ये एक्शन वर्ड्स हैं। यानी सोना, जागना, कूदना, इन सारे ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब होते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट अगले क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में पेज नंबर 128 और 129 देखेंगे।
सर्कल द फ्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स द शेडेड पार्ट्स. यहाँ फिगर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5. इसमें देखना है कि कितने भाग शेडेड हैं. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 by 5, 3 by 5, 2 by 3, 4 by 7. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है. तो जितना है इसको काउंट करके हम नीचे लिख दिए और शेडेड पार्ट जो है 1, 2 तो इसको हम ऊपर लिख देंगे. तो ये आंसर हो जाएगा ये वाला फर्स्ट वाला. इसको हम सर्कल कर देंगे 2 by 5. इसी तरह यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है. तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 7 by 12. इसी तरह और भी इसको बनाएंगे. ये तीसरे सी का होगा 3 by 5. सी का आंसर हो जाएगा 3 by 5. इसको काटेंगे, 3 वाले को काट करके बनाएंगे तो आंसर ये वाला आएगा, फर्स्ट वाला 3 का. और डी का यानी सी का फर्स्ट वाला आ जाएगा आंसर, और डी का फर्स्ट वाला आएगा, और ई का लास्ट वाला आएगा. इस तरह आप बुक में बनाएंगे, बुक में बनाएंगे इसको होमवर्क को. पेज नंबर 28 और 29 बनाना है. 28 एंड 29 दोनों को बनाना है. यहाँ पर 28 लिखे हैं, इसको और बना करके यहाँ चलिएगा पेज नंबर 129 में. पहले इसको हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हाफ है, हाफ को कलर किया गया तो 1 by 2 यहाँ दिया गया है. अब दूसरा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 है तो जितना काउंट करके आएगा ट्रायंगल उसको नीचे लिखेंगे और जितना भाग कलरफुल है उसको ऊपर लिखेंगे. इस तरह आप होमवर्क में बनाएंगे दोनों पेज नंबर 28 और 29. नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.